आधा बजे रात को इधर ही दुर्घटना हुआ है। आधा बजे से हम लोग एकदम हट गए, यहाँ पर सुने तो नहीं, पाँच मिनट हट गए तो सब ले देखे घर में रह जाते, ऐसे हो गया। धनबाद जिले के अंगरपथरा कॉलोनी में खदान 20 फीट नीचे धसने के कारण ऊपर रहने वाले 12 लोग घायल हुए और करीब 60-65 घर ध्वस हो गया। इस घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का राहत कार्य चालू नहीं किया गया। शनिवार को रात को 11:55 में दीवार गिरने का हल्का सा हमको महसूस हुआ। महसूस होने के बाद में हम उठ के बगल में जाने की कोशिश किए, देखे तो उसमें से धीरे धीरे दरार गिर रहा था। उसके बाद सबको मोहल्ला में जाके किवाड़ी में लात लात कर, किवाड़ी खुल नहीं रही थी। उसके बाद अचानक 3:58 में पूरा एक बार नीचे जमीन धस गया। अभी आज 2 दिन से आप लोग कैसे जी रहे हैं? कैसे जी रहे देखिए रहे हैं, आए ना देख रहे ना कैसे जी रहे हैं। कुत्ता बिला की तरह आदमी की तरह थोड़ी आदमी रहता तो जैसे मालिक लोग घर में सो रहा है ना, अभी आराम से सोते हैं हम लोग। हाँ, पानी भी नहीं, यहाँ ये सब कहाँ रहेगा, ये भी नहीं, ये है तो करना चाहिए इसको। जीएम तो आया भी नहीं अभी तक यहाँ स्पॉट पर। सर आप कल क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए? आज ही ऑर्डर मिला आने के लिए। कल आप मर गए, किसने ऑर्डर दिया? यहाँ जवाब दीजिए, किसके आदेश से आप आए? आज ही ऑर्डर मिला है, आज ही ले आए। कहाँ से आए? किसके आदेश से आए? पर्सनल मैनेजर जो होता है ना, पर्सनल मैनेजर कौन सा होता है, कहाँ का, कौन विभाग का? तो उनको क्या कल मैनेजर होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो लोग ऑर्डर दिया। हम लोग को सूचना मिलना चाहिए ना जी, क्यों आज टेंट लग गया, आप लोग चलिए फिर कहा नहीं गया सूचना देने के लिए। आगे पीछे घूमेंगे उसका हुआ, लेकिन कल तक ये लोग कोई नहीं आया था। आज जो है मैंने जख्म में मरहम देने का काम करने आ रहा है लोग। ये सब जो है जो है प्रबंधक का जो चाल है, यहाँ के किसी तरह से मैंने गरीब को जो है मैंने जैसे तैसे करके जो है भगा देना चाहता है। कोयला का वहाँ पिलर था 2 नंबर चाना के बगल में, उसी में आग लगा। प्रबंधन को इसका डिसाइड नहीं किया कि हाँ अगर आग लगा है तो इसको, अगर प्रबंधन चाहता तो वो भी अगर नहीं गिरवाता ना, आज ये माहौल नहीं होता। एक साल पहले भी घटना घटी थी, उस टाइम इस तरह भगदड़ मचा था। विश्वल को, जीएम को, जीएलडा को हमने लिख के दिया कि स्थायी व्यवस्था लोग कीजिए। विश्वल पूरी तरह प्रवाह है, एकदम फेल है। कोई विस्थापित नियम नहीं, कोई कानून नहीं। गरीब का घर गिर जाए, गरीब मर जाए, भूखे रह जाए, कोई देखने वाला नहीं। भलो मिनी रतन कंपनी विसल हो गया है, मगर वो व्यक्तिगत कंपनी बना है, पब्लिक हित में नहीं बना है। बगल में एक मोहल्ला है माली धोला, वहाँ भी यही खतरा बना हुआ है। 6 नंबर कुंडा पत्थर में यही व्यवस्था, यही व्यवस्था बना हुआ। लोग भयभीत है, लोग रात में सो नहीं पा रहे। ये रेलवे क्रॉसिंग है जो धनबाद स्टेशन से रांची टाटा सब जगह जाता है, कारो जाती है, और इसमें सब एक्सप्रेस गाड़ी भी चलती है, लोकल भी चलती है, बहुत गाड़ी। और ये घटना हुई है मुश्किल से 2 हाथ पे है रेलवे, दो तीन हाथ पे है। उसके बाद भी किसी तरह का कोई नहीं, हो सकता है इससे बड़ी घटना घट जाए। मैं आप सभी वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों, समाज सेवियों, विभिन्न संस्थाओं में काम करने वाले सभी लोगों से विनम्र अपील करती हूँ कि हमारे जिला उपायुक्त श्री प्रशांत कुमार को संपर्क नंबर 9471161601 पर फोन कर दबाव बनाएं और हमारी मदद करें, ताकि इन लोगों को मुआवजा और राहत मिल सके। मैं भारती, अंगरपथरा कॉलोनी, जिला धनबाद, झारखंड से इंडिया अनहट के लिए।